हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और विचारक श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय विराजमान हैं। ये हिंदी जगत अच्छी तरह से जानता है कि उनकी जन्मतिथि 7 मार्च 1911 है और वह अपने 70वें जन्मदिन के समारोह से कुशीनगर से वापस लौटते हुए लखनऊ में रुके थे और हम लोगों ने आज उनके इस यहाँ के विश्राम का उपयोग करना चाहा। वात्स्यायन जी से मेरा परिचय 1940 में हुआ था और आज 1980 है। 40 वर्षों से मैं उनको जानता, देखता और पढ़ता रह रहा। बराबर ही उनको मैंने वात्स्यायन जी ही कहा, यद्यपि हिंदी में वो ज़्यादातर अज्ञेय जी के रूप के नाम से जाने जाते रहे हैं। मेरा ये मतलब नहीं है कि वो मेरे लिए ज्ञेय हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं जितना कुछ भी उनको जान सका हूँ, देख सका हूँ, पढ़ सका हूँ, मुझे बराबर ये लगा कि वो अपने लेखनी में और अपने विचारों में वो समय से आगे रहे और देश और काल से ऊपर उठकर उन्होंने एक बृहत्तर भावभूमि पर हिंदी पाठकों को अपनी रचनाएं पढ़ने के लिए प्रस्तुत की। मैं इसी संदर्भ में आज अपने साथ बैठे हुए कई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और नाटककार जैसे मुद्रा राक्षस जी हैं, नरेश सक्सेना हैं, कुंवर नारायण जी हैं और राजेश हैं, इन सब लोगों के साथ मैं आज इस विचार गोष्ठी में इस बात की अपेक्षा करना चाहूँगा और मैं कुंवर नारायण जी से कहूँगा कि वो इस अनौपचारिक बातचीत का प्रारंभ करें और अज्ञेय जी से कुछ ऐसी बातें जानने की कोशिश करें कि जो हम सब लोगों के लिए एक नई दिशा दे और हम उनके बारे में और अधिक जान सकें, वो हमारे लिए अधिक और ये हो सकें। इसी विश्वास के साथ मैं कुंवर नारायण जी से ये निवेदन करूंगा कि ये बातचीत का प्रारंभ करें। जी, आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा कि इधर रचनात्मक साहित्य की अपेक्षा आपने विचार साहित्य अधिक लिखा है और इसका क्या कारण हो सकता है? आपको कुछ ऐसा लगता है कि विचारों के माध्यम से जो बातें आपने कही हैं उन्हें रचनात्मक साहित्य के द्वारा बेहतर नहीं कह सकते थे, या ये ही विधा आपको अधिक रुचकर लगी किन्हीं विशेष कारणों से, बारे में पूछा? मैं तो सोचता हूँ कि इस तरह के सवाल का जवाब कोई लेखक देता है तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो बात हो गई है उसकी किसी न किसी तरह की सफाई दे रहा है। अब मैं तो लिखता हूँ, लिखते समय ये नहीं सोचता कि रचनात्मक लेखन करूँ या कि विचार प्रस्तुत करूँ। जो मन में आता है, जैसा लिखने का मन होता है वैसा लिख देता हूँ, फिर बाद में और वो भी दूसरे लोग तय करते हैं कि ये रचनात्मक हुआ और ये विचार मूलक हुआ। यूँ और ये भी नहीं चाहता हूँ कि कोई ये मान ले कि इससे पहले सोचता नहीं था इसलिए विचार मूलक गद्य लिखना अनावश्यक था, या कि पहले सिर्फ भावुक था इसलिए काव्य लिखता था और अब सोचने भी लगा हूँ। संभव है कि ये सच भी हो, ये तो दूसरे ही तय करेंगे, लेकिन मुख्य बात यही है कि लिखता हूँ, कुछ बातें जिस रूप में कहनी ठीक जान पड़ती हैं उस रूप में अपने आप कही जाती हैं। महत्व की बात तो मैं समझता हूँ कि यही है और पाठक भी उनको इसी रूप में देखे कि जो चीज़ सामने आई वो क्या इसी ढंग से कहने पर सबसे अधिक ग्राह्य है या कि किसी दूसरे ढंग से कहनी चाहिए। उनमें से कुछ विचार रचना में, कहानी या उपन्यास में भी आ सकते थे और कुछ विचार अधिक भावुक ढंग से भी प्रस्तुत किए जा सकते थे, जिनसे कि एक रचनात्मकता का आभास भी हो सकता, लेकिन अब जो जैसा है उसको उसी दृष्टि से देखना चाहिए। एक बार तक ये जी मुझे ऐसा इधर महसूस होता रहा है कुछ अरसे से कि हमारा परिवेश और उसकी समस्याएं निरंतर कुछ इस तरह से बाध्य कर रही हैं कि हम अनचाहे ही भाषा में जब अभिव्यक्त कुछ करते हैं तो विचारों की ओर चले जाते हैं, और शायद भाषा में, भाषा के माध्यम से कविता या कहानी के
रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करना उतना आसान नहीं रहा है जितना कि विचारों के माध्यम से करना लगता है। ये बात अगर सोचें कि वास्तव में आप क्या पूछ रहे हैं, तो मैं ये कहूं कि अगर परिवेश के नाम से आप सिर्फ जो समस्याएं आपके सामने आती हैं और निस्संदेह वो बढ़ती जाती हैं या कि कठिनतर जान पड़ती हैं, अगर समस्याएं ही परिवेश का मुख्य अंग हैं, तब तो स्वाभाविक है कि हम उनकी चुनौती का सामना विचार के स्तर पर अधिक करेंगे। लेकिन परिवेश में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमारा सारा जीवन और हमारी भाषा भी हमारे परिवेश का अंग है, हमारे मित्र हमारे परिवेश का अंग है, परिवार के लोग हैं जिनसे कि स्नेह संबंध होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जहाँ की विचार की आवश्यकता या गुंजाइश भी नहीं रहती, दूसरी चीज़ें प्रधान होती हैं। अगर उस सब को भी हम परिवेश में शामिल करते हैं, तब कहना होगा कि परिवेश का एक पक्ष ऐसा है जो कि विचारों की चुनौतियां सामने लाता है, दूसरे भी बहुत से पक्ष हैं। संदर्भ में गे जी, मैं ये कहना चाह रहा था, आपकी कथा साहित्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ तक विचार की बात है, कथा के माध्यम से हम जब कोई बात कहते हैं तो या तो प्रभाव के द्वारा कहते हैं या निष्कर्षों के द्वारा कहते हैं, जबकि कोई वैचारिक लेख में सीधे सीधे विचार की बात करते हैं। तो आपने बहुत अच्छी कहानियाँ हिंदी को, नई कहानियाँ हिंदी को दी थी, और एक तरह से हिंदी का जो नया कथा साहित्य है वो आपसे शुरू होता है। आपकी अभी भी कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो प्रासंगिक हैं, और जैसे रोज या सांप या जयदोल, इस प्रकार की कहानियाँ। लेकिन इधर काफ़ी लंबे अरसे से आपका कथा साहित्य से संबंध कुछ छूटा सा लग रहा है, आप उदासीन भी हो रही हैं, तो क्या आप ये महसूस करते हैं कि सीधे सीधे विचारों को कहना किसी लेख के माध्यम से, वैचारिक पक्ष के माध्यम से उचित होगा? एक तो कहानियाँ बहुत दिनों से नहीं लिखी हैं, छूट ही गई हैं कह लीजिए, लेकिन कहानियाँ छूट जाने के बाद भी कविता तो लिखता रहा हूँ, और अगर उसको आप विचार साहित्य में नहीं गिन रहे हैं, तब तो फिर सवाल बना रहता है कि विचारों के अलावा भी कुछ लिख रहा हूँ। ये सवाल हो सकता है कि कहानियाँ क्यों छोड़ रहे हैं, कविता क्यों लिख रहे हैं, और या ये आप अगर मान रहे हैं कि कविता में भी विचार ही प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो कि मैं आशा करता हूँ कि सच नहीं है, लेकिन इसकी चिंता क्यों है? विचार अगर कुछ सामने आए हैं, अगर अच्छे हैं, तो उनको उस रूप में ग्रहण कीजिए। मेरे न होते और किसी के दिए हुए होते और विचार मूल्यवान होते तो भी उनका महत्व रहता। मैंने कुछ विचार प्रस्तुत किए, अगर वो अच्छे हैं तो मैंने कहानी क्यों नहीं लिखी, इसका क्या महत्व है? ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहानी नहीं लिखी, जिन्होंने कविता भी नहीं लिखी, ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ नहीं लिखा पढ़ा। तो अमुक प्रकार की रचना क्यों नहीं की, मैं तो नहीं समझता कि ये प्रश्न होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे ये जिज्ञासा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं लिखी और कोई चीज़ ज़्यादा क्यों लिखी। संभवतः एक ये भी धारणा इस सवाल के पीछे हो सकती है कि किसी साहित्यकार के लेखन का अपना इतिहास भी होता है, उस अपने इतिहास के विकास क्रम का भी परिणाम ऐसा हो सकता है कि विचार प्रधान साहित्य बाद में ज़्यादा आना शुरू हो जाए और उसमें कविता या कहानी या उपन्यास कम लिखे जाएं अपेक्षाकृत। तो कोई ऐसा ऐतिहासिक विकास, अपने निजी इतिहास का की ऐसी परिणति आपको तो नहीं दिखाई देती है? ऐतिहासिक विकास क्रम की बात या कि जो भी दिशा किसी लेखक ने ग्रहण की, उसका उसकी ऐतिहासिक संगति, ये सब तय करना भी तो दूसरों का ही काम है। अपने लिए मैं कहूँ कि एक तो वह प्राप्ति का एक सहज परिणाम होता है कि आप विचारों की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं या कि भावनाओं की उत्तेजनाएं कुछ कम हो जाती हैं, अगर वो हुआ तो वो भी हो सकता है। लेकिन मैंने कहा कि उस दृष्टि से भी ये तो दूसरों के सोचने की बात है। वह प्राप्ति की बात कही, मैं फिर उसी सवाल को दोहराने का लोभ नहीं संवरण कर पा रहा हूँ कि अभी भी लेखन के साथ या नव लेखन में
आपकी शिरकत उतनी ही शिद्दत से और उतनी अधिक है जितनी किसी भी ऐसे नए लेखक की हो सकती है। उसके बावजूद ये आप अनुभव ऐसा करते हैं या ऐसा कहते हैं कि वह प्राप्ति का परिणाम है तो कुछ अविश्वसनीय ऐसा लगता है। नहीं, वह प्राप्ति एक तो कैलेंडर से आप देखते ही हैं कि इतने वर्ष पूरे हो गए, एक उसका शरीर पर और फिर शरीर का मन पर असर भी होता है जो कि कुछ भिन्न प्रकार का भी हो सकता है। लेकिन आपने नवलेखन की बात कही तो नवलेखन में तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि लिखना शुरू करते हैं तभी से बुजुर्ग होते हैं, बल्कि मेरे भी बुजुर्ग होते हैं। तो ये तो एक अंदाज है, या कि कहीं मैंने एक बार लिखा था कि हिंदुस्तानी आदमी तो जब जन्मता है तभी बुजुर्ग होता है और उसके बाद धीरे धीरे वो एक कालातीत आयाम में चला जाता है, व्यातीत आता आयाम में चला जाता है। तो लेखक ऐसे भी हैं। वसन जी, एक जो कुंवर नारायण ने मूल प्रश्न उठाया था विचार साहित्य और रचनात्मक साहित्य की बात, और मैं फिर आप का ध्यान उसी तरफ ले जाना चाहता था, और मैं चाहूँगा कि कुंवर नारायण इस प्रश्न को और ज़रा विस्तार से आपसे पूछें, क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है कि जो रचनाकार होता है वो संस्कारी व्यक्ति होता है और संस्कार विचारों से ही बनते हैं। तो चाहे रचनात्मक साहित्य हो या विचार साहित्य, दोनों की कोटियां मैं मानता हूँ कि दोनों की कोटी अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई भी रचनात्मक साहित्य नहीं है जो विचारों से बिल्कुल अछूता हो बिना, और उसमें लेखक का विचार कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे पात्र के रूप में या किसी रूप में, उसके वो प्रकट न होता हो। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर यही बात थी या इससे अलग कोई और बात थी तो कुंवर जी का प्रश्न एक बड़ा मौलिक प्रश्न था, और इस पर आप अगर आपका दोबारा प्रश्न चाहेंगे। नहीं, दोबारा नहीं, मेरा ख्याल है बादशाह जी ने जो ये बात कही कि एक स्थिति ज़रूर आती है जब जीने की अपेक्षा सोचने की प्रवृत्ति शायद एक लेखक में होती है कि जो जिया है क्योंकि उसकी शायद तीव्रता या उसकी अर्जेंसी कम हो जाती है तो सोचना ज़्यादा रुचिकर लगता है। मेरा सिर्फ ये प्रश्न था कि साहित्य में जिसका इतना लंबा एसोसिएशन रहा हो, संपर्क रहा हो, क्या उस स्थिति में तो वासायन जी किसी तरह की क्राइसिस नहीं महसूस कर रहे हैं कि साहित्य रचना न करके इस वक्त विचार के क्षेत्र में अधिक सक्रिय हैं? इस अर्थ में मैंने प्रश्न पूछा। नहीं, इतनी मैं एक बात जोड़ सकता हूँ कि एक तो एक कोई भी साहित्यकार जब भी लिखता है तो एक तो उसकी वैचारिक भूमि होती है जिसमें एक उसके अपने निजी संस्कार, निजी शिक्षा दीक्षा होती है, और एक पूरे समाज की भी वैचारिक भूमि होती है। अगर लेखक अपनी रचना में जो विचार प्रस्तुत कर रहा है वो उसके पूरे समाज की जो वैचारिक भूमि है उससे बहुत ज़्यादा अलग या कि उसके प्रतिकूल नहीं है तो उसके पीछे उतना प्रबल भावनाओं का आग्रह अनावश्यक होता है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि कुछ विचार उस समय नए जान पड़ते हैं, ये भी संभव है कि बहुत पुराने हों और भुला दिए गए हों और फिर उठें। लेकिन जिनको बिना आग्रह के, बिना जोर के, बिना उत्तेजना के उस समाज के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, या कि किया जाए तो उनकी उपेक्षा हो जाएगी, तो वहाँ पर ऐसा जान पड़ता है, यद्यपि होता तो है विचार उनमें भी, लेकिन वहाँ ये जान पड़ता है कि इसका ये भाव पक्ष ज़्यादा प्रबल है और विचार उसमें दबा हुआ है, और कभी कभी उसकी आवश्यकता नहीं होती और विचार को एक विचार के रूप में, और ये कह के कि ये बात सोचने के लिए कही जा रही है, इसको अगर आप उत्तेजना से बचते हुए सोचें तब ये ज़्यादा काम की होगी, उस रूप में भी कही जाती है। तो एक ये होता है कि वास्तव में विचार होते हैं, और एक ऐसा होता है कि विचार की भंगिमा होती है। ये भी दोनों चीज़ें साहित्य में, काव्य में भी होती हैं, कहानी में भी, उपन्यास में भी आती हैं। एक दूसरी बात मैं जानना चाह रहा था वासन जी, इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, थोड़ा उससे अलग है, कि अगर जैसे मैं आपसे अभी पूछूं कि इतने लंबे अपने साहित्यिक जीवन में आपकी इतनी पुस्तकें हैं, उनमें अगर 4-5 मैं आपके जानना चाहूँ कि आपको कौन सी कृतियाँ सर्वाधिक प्रिय हैं,
तो आज के इस साहित्य को भी लेते हुए, पहले के साहित्य को लेते हुए भी, सिर्फ एक टेंटेटिवली आप किन कृतियों का नाम लेना चाहेंगे, उनमें प्रमुखता आप किन्हें देंगे? हालांकि ये प्रश्न आपसे पूछना शायद बहुत मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ मुझसे पूछें ये भी कुछ अचरज की बात है, और आप पूछें ये भी कुछ आश्चर्य की बात है, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि जो लेखक जो लिख देता है उससे तो इतना अलग हो जाता है। ऐसा तो होता है कि दोबारा उनमें से कुछ रचनाएं पढ़ के या कभी किसी दूसरे से उनकी चर्चा सुन के कुछ बातों के बारे में ये एक सुखद आश्चर्य होता है कि अच्छा ये मैंने लिखा था और इतने वर्ष पहले लिखा था, और कभी कभी ये होता है कि मैं ऐसी बात कैसे लिख गया जो कि आज पढ़ते हुए भी मुझको असमंजस होता है। दोनों तरह के अनुभव मुझे अपनी पहले की रचनाओं में होते हैं। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि ऐसा मानता रह सकूँ कि अब जो आगे लिखना चाहता हूँ या लिखूँगा वही असल रचना होगी, और मैं समझता हूँ कि एक हद तक हर लेखक ऐसा मानना चाहता है, क्योंकि जब वो ये सोच लेता है कि जो मैंने पहले लिखा था वही श्रेष्ठ है, तब आगे लिखने की उसकी इच्छा बहुत कम रह जाती है, कोई प्रेरणा फिर नहीं रहती। मैं ये पूछना चाहता था वासन जी, जैसे पहले भी अनौपचारिक बातचीत के दौरान बात उठी थी कि साहित्य का की एक धारणा रही है सार्वभौम बनाने की, जो पिछले कुछ बल्कि दो दशकों में काफ़ी व्यापक रही है, इसमें संदेह नहीं है कि उसने बहुत गहरा प्रभाव नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी व्याप्ति उसकी काफ़ी बड़ी है। उसके संदर्भ में मैं आपकी उस धारणा की तरफ संकेत करना चाहूँगा जिसे आपने कभी व्यक्त किया था कि साहित्य में भारतीयता की पहचान भी कहीं किसी स्तर पर होनी चाहिए। उस भारतीयता या उस अपनी ज़मीन और अपने समय समाज से पहचान या संपर्क की बात का साहित्य में आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि इसमें एक कठिनाई ये भी आ जाती है जो शॉविनिस्ट आमतौर पर जाहिर करते हैं, जिनका महज उद्देश्य यही होता है कि हमारे यहाँ जो कुछ है वो सर्वश्रेष्ठ है। एक चीज़ मैं आगे जिसमें जोड़ दूँ, शायद उसके साथ ही साथ इसका भी जवाब मिल जाएगा। आपने परंपरा के जीवित अंश के बारे में भी अभी कुछ कहा था, और ये भी इच्छा व्यक्त की थी कि परंपरा का जीवित अंश क्या है, किस तरह से काम करता है, लेखक इसके बारे में सोचें और चर्चा करें। तो उधर राक्षस ने जो सार्वभौमता भारतीयता की बात लाए हैं, उसमें हम परंपरा के उस जीवित अंश को भी यदि आपसे थोड़ा सा जान लें कि वो किस तरह से अपना काम कर रहा है और किन अंशों में जीवित है। तो अच्छा, मैं सोचता हूँ कि ये प्रश्न महत्व के ज़रूर हैं, लेकिन इनको हमेशा एक और बात के साथ जोड़ के इन पर विचार करना चाहिए, और वो है संप्रेषण की स्थितियाँ। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मैं ये काफ़ी नहीं समझता कि ये कहूँ कि लेखक अपने को अभिव्यक्त करता है। निस्संदेह वैसा करता है, लेकिन दूसरे पर अभिव्यक्त करता है, तो दूसरे तक पहुँचना अनिवार्य है, और इसलिए वो दूसरा कौन है, कब का है, इसकी पहचान भी आवश्यक है। इसलिए मैं कहूँ कि मैं तो यही मानता हूँ कि अगर मेरा पहला पाठक या कि सामाजिक भारतीय है और हिंदी में या भारतीय भाषा में लिखता हूँ तो होना चाहिए, तब सबसे पहले जो भी मैं लिखता हूँ उसकी पहली कसौटी यही होगी कि वो भारतीय है या नहीं, इसलिए कि मैं भारतीय हूँ। अगर वो भारतीय नहीं है, तब मेरे सामने ये एक मोह है या कि एक दम है कि वो सार्वभौम है या कि मानव समाज की ओर संप्रेषित है। पहले वो उस व्यक्ति की ओर संप्रेषित होना चाहिए जो कि मेरा है, जिसके संस्कार मुझे पहचान सकने चाहिए। अगर मेरा निकटतम व्यक्ति है, उसके संस्कार मैं नहीं पहचानता, उस तक पहुंचने का मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है, तब इस मोह में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है कि एक बहुत बड़ा संसार है, उसमें बहुत से लोगों तक मैं पहुँच सकता हूँ। ये नहीं कि मैं बहुत अधिक अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचने का
विरोध कर रहा हूँ। ये नहीं कि मुझको भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि सारा संसार और आज का नहीं कल का भी संसार मेरी रचनाएं पढ़े या उनको ग्रहण कर सके, लेकिन वो आज के मेरे सामने के भारतीय सामाजिक की उपेक्षा या अवज्ञा करके वो संभव ही नहीं है। आपने जैसे अभी शब्द इस्तेमाल किया सामाजिक, अच्छा ये कुछ उस भाषा के शब्द हैं जिनका प्रयोग अब उतना आम नहीं रहा। आपके साहित्य में ख़ासतौर से कविता और विचार साहित्य दोनों को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि आपका बहुत गहरा लगाव संस्कार के स्तर पर कहीं भारतीय क्लासिक्स से, ख़ासतौर से संस्कृत साहित्य से है। अब इसमें संदेह नहीं है कि ये परंपरा थोड़ी सी समाप्त होती जा रही है, ख़ासतौर से संस्कृत क्लासिक से साक्षात की नई पीढ़ी में बहुत कमी होती जा रही है। इसका कोई साहित्यिक भावबोध में या साहित्य के स्तरीय होने में कहीं अंतर पड़ता है? नहीं, सामाजिक शब्द का इस्तेमाल मैंने किया तो उसका कारण ये नहीं था कि वो संस्कृत मूल का है, इसलिए किया कि वो आज भी इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त शब्द है, सार्थक है। मैं पाठक भी कह सकता, लेकिन ये जानता हूँ कि हमारे देश का साहित्य अभी कुछ समय पहले से छपने लगा और पढ़ा जाने लगा, उससे पहले वो सुना जाता था, तो पाठक कहने में मैं श्रोता को छोड़ रहा हूँ। विशेष रूप से इस परिस्थिति में ये बात और भी महत्व की है, जबकि देश का दो तिहाई आज भी निरक्षर होने के नाते संस्कारवान श्रोता तो हो सकता है, साहित्य से परिचित हो सकता है, लेकिन छपे हुए अक्षर से परिचित नहीं होता, इसलिए उसको पाठक नहीं कहा जा सकता। श्रोता कहना काफ़ी नहीं है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग पुस्तक पढ़ते हैं और जो पढ़ते हैं उसकी चर्चा करते हैं। सामाजिक दूसरे पक्ष के लिए अभी तक सबसे अच्छा शब्द है, और कोई कारण नहीं है कि वो पुराना था इसलिए उसको छोड़ दें, जबकि अभी तक सबसे अच्छा शब्द वही है। जी, सामाजिक शब्द पर जो आग्रह है, इधर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा नई पत्रकारिता की ओर। दिनमान का प्रकाशन अपने आप में एक घटना थी हिंदी के लिए खास तौर से, और संपादन प्रकाशन के साथ ही साथ संपादन आविर्भाव दोनों चीज़ें साथ साथ जुड़ी। इसके पहले हिंदी पत्रकारिता का तो लंबा इतिहास है, करीब 150 सालों का, बल्कि उससे भी कुछ अधिक, लेकिन इसके पहले हिंदी पत्रकारिता को एक नई और आज की सामाजिक परिस्थितियों की संघर्षशील या जटिल मानव नियत की समझ के करीब ले जाने की जो कोशिश है वो शायद संभवतः दिनमान ने शुरू की, और ये सामाजिक समस्याओं के प्रति जो आपका सरोकार है ये इसका प्रमाण है कि दिनमान में जिस तरह से आपने एक नई भाषा को जन्म दिया और उस भाषा में सामाजिक समस्याओं के साथ साथ उस सरोकार के साथ साथ रचनात्मकता भी उसी स्तर पे मौजूद है, और फिर इधर हाल में आपने नवभारत टाइम्स का भी संपादन किया, तो क्या आप इधर फिर इसके पहले कुछ वैचारिक समस्याओं की भी बात हुई है, वैचारिक साहित्य की भी बात हुई, तो क्या इधर आप ये महसूस करने लगे हैं कि सामाजिक प्रश्नों पर सीधे सीधे खुल करके रचनाकार को बोलना चाहिए, चाहे इस कारण से वो अन्य विधाओं की थोड़ी बहुत उपेक्षा भी हो जाए, कहानी की, कविता की, उपन्यास की? ये दो, मुझे लगता है कि दो प्रश्न अलग अलग ही हैं, एक साथ उनका जवाब मैं नहीं जानता कि कैसे संभव है। एक तो मैं कहूँ कि भाषा को जन्म कोई नहीं देता, भाषा का संस्कार ज़रूर बढ़ाता है। ये भी हो सकता है कि शब्द वही पुराने हों और उनमें अर्थों की जो संभावना है उसका विस्तार हो, कभी प्रायः वही पुराने परिचित शब्द एक नए संदर्भ में ऐसे ढंग से रखता है कि उसमें नया अर्थ आ जाता है और उसके बाद फिर उस नए अर्थ को भूलना संभव नहीं होता, भाषा समृद्धतर होती है। तो भाषा को समृद्ध तो हम लगातार करते हैं, लेकिन भाषा को जन्म नहीं देते, ये काम गणित की भाषा में तो ऐसा कहा जा सकता है कि एक नई भाषा गढ़ दी जा सकती है, उसको कह सकते हैं कि किसी ने जन्म दिया है। भाषा तो समाज से हम लेते हैं और अपने प्रयोग के द्वारा ही उसको समृद्धतर बनाते हैं, या कि इससे उल्टा भी कर सकते हैं।
और पत्रकारिता के लिए इस देश में जैसी भाषा अपेक्षित थी, हिंदी की ही शब्दावली लेकर उसको उस उपयोग के अनुकूल बनाने का प्रयत्न मैंने किया, और पाठकों की प्रतिक्रिया जो हुई, आज तक लोग जिस रूप में उसे याद करते हैं, उससे लगता है कि मुझे सफलता भी मिली। दूसरी बात है कि सामाजिक प्रश्नों पर साहित्यकार को चर्चा करनी चाहिए या नहीं। अब ये चाहिए का जवाब देना तो मेरा काम नहीं है, मैं कोई समाज का या कि साहित्यकार का नियामक नहीं हूँ, और अगर कोई दूसरा नियामक आके मुझको कहता कि तुम्हें अमुक करना चाहिए तो मैं उसको न मानता। इसलिए जब अपना मेरा मनोभाव यह है तो मैं क्यों दूसरे को बताऊं कि इसे क्या करना चाहिए। आप ये पूछें कि क्या सामाजिक समस्याओं का दबाव उस पर बढ़ रहा है, तो कहूँगा कि हाँ बढ़ रहा है, मैं भी स्वयं भी अनुभव करता हूँ। क्या उसकी कोई प्रतिक्रिया होती है, क्या उसको प्रकट करने से दूसरों का विचार उसकी ओर आकृष्ट हो सकता है, क्या उसकी कोई उपयोगिता है, तो कहूँगा कि हाँ कुछ है। लेकिन उसके साथ ये भी कहूँगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका विशेषज्ञ साहित्यकार नहीं है, नहीं हो सकता, और ऐसा उसको नहीं मानना चाहिए कि वो विशेषज्ञ है। उन प्रश्नों की चर्चा वो करे तो इस बात को सामने रखते हुए करे, बल्कि इस दावे के साथ करे कि सारे के सारे प्रश्न केवल विशेषज्ञ के विचार करने के लिए नहीं हैं, क्योंकि इन प्रश्नों का असर उस व्यक्ति पर होता है जो कि विशेषज्ञ नहीं है, जैसे कि मैं यानी साहित्यकार स्वयं हूँ। तो समस्याओं का विचार या कि निराकरण विशेषज्ञ को सौंप दिया जाए, इसका विरोध करते हुए मैं कहूँगा कि एक साहित्यकार के नाते मैं एक अविशेषज्ञ के नाते ये कहना चाहता हूँ कि इस समस्या का एक हमारा भी पक्ष है जो कि उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसा अगर मैं करूँ तो मैं सोचता हूँ कि ठीक ही काम कर रहा हूँगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि जो सामाजिक दबाव की आपने बात की वो बढ़ता चला जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो क्या साहित्यकार को सामयिक प्रश्नों पर बोलना चाहिए? सामयिक प्रश्न से मेरा मतलब ये है कि चाहे समस्याएं स्थूल हों लेकिन हमारे नियत को सबसे प्रभावित करने वाली वे समस्याएं जिन पर कि वो लिखना शुरू करे और बोलना शुरू करे। दिनमान का जो प्रयोग मैंने चर्चा इसीलिए की कि दिनमान में ऐसा बहुत कुछ लिखा गया जो कविता से ज़्यादा प्रभावशाली था। आज इसकी ज़रूरत क्या ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है? इसका जवाब मैं नहीं जानता, और किसी दूसरे का दिया हुआ जवाब आसानी से ग्रहण नहीं कर लूँगा। मैं समझता हूँ कि जिन प्रश्नों का दबाव बढ़ रहा है उनमें बहुत से प्रश्न साहित्य से भी संबंध रखते हैं, और एक चौंकाने वाला शब्द यहाँ ले आऊँ तो कहूँ कि हमारे अंतरात्मा से भी संबंध रखते हैं। मैं उसको उपेक्षणीय नहीं मानता। हम लोग ये मानने के कुछ आदि होते जा रहे हैं कि दबाव बाहर की और स्थूल चीज़ों का ही बढ़ रहा है, और सारे दबाव बाहर के हैं और स्थूल चीज़ों के हैं, और सिर्फ उनको ग्रहण करने वाला पक्ष भीतर का है और सूक्ष्म है। ऐसा नहीं है, दबाव सूक्ष्म भी है और ऐसे भी हैं जिनकी चर्चा साहित्यकार ही कवि ही कर सकता है, और क्योंकि एक ऐसा काम है जो कि औरों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी तरह वो कर सकता है, तो कोई कारण नहीं है कि उसको न करके वो उन कामों की ओर दौड़े क्योंकि दूसरे भी उस शायद उससे ज़्यादा अच्छी तरह कर सकते। तो अगर अपनी विशेष योग्यता या कि क्षमता पहचानता हुआ वह उसे भी समाज को देता है उन प्रश्नों की चर्चा करके जिनकी चर्चा कोई दूसरे न करते, तो मैं समझता हूँ कि अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर रहा है, और मेरी विज्ञान की दीक्षा भी यही कहती है कि ऊर्जा का सबसे सही उपयोग वही होता है जिसमें कि कम से कम व्यय करके अधिक से अधिक क्षमता प्रकट की जाए। ये मुद्रा जी ने जो अभी लगाव की बात कही, और वनारायण ने भी आपसे जो प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपने नहीं दिया कि आपकी कौन सी अपनी रचनाएँ सबसे आपको प्रिय हैं, मैं एक प्रश्न आपसे जानना चाहता हूँ उसका उत्तर, कि क्या लगाव की बात जो आपने कहा कि क्लासिक से है, तो क्या आप ऐसा नहीं मानते कि बिना ट्रेडिशन को जाने हुए ट्रेडिशन से अलग नहीं हुआ जा सकता, एक? और दूसरी चीज़ ये कि जब रचनाकार अपनी रचना करता है, अक्सर आप कहा भी करते हैं कि उसकी असली कसौटी उसके पाठक होते हैं, तो आप जब लिखते हैं या कि ऐसा आप मानते हैं कि जब लोग लिखें
तो उनके सामने एक टारगेट ग्रुप, एक पाठकों का एक वो समुदाय सामने होता, क्योंकि दिनमान की सफलता का भी उसमें एक यही हाथ रहा है कि जिन पाठकों के लिए दिनमान निकाला गया तो उनके उनकी समस्याओं का और उनके उसमें उनकी भाषा का और उनके भावों का विचार करके ही उसमें आपने उनकी भाषा का संस्कार भी किया और वही विचार दिए। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि आप ये मानते हैं कि बिना ट्रेडिशन को जाने हुए ट्रेडिशन से अलग हुआ जा सकता है? बिना जाने न तो उससे वास्तव में जुड़ा जा सकता है और न अलग हुआ जा सकता है। अलग होने का मतलब भी क्या है मैं नहीं जानता। हम अलग होते हुए भी ये अपना अलगाव भी उसी में जोड़ देते हैं, अपने को उसी में जोड़ देते हैं। सारी रचना तो उससे पहले की रचना में से निकलती है और इसीलिए उस रचना को हम अगर अस्वीकार भी करते हैं, उसका तिरस्कार भी करते हैं, तो उसकी प्रणालियाँ भी उसी में से निकलती हैं। अपने से पहले की रचना का तिरस्कार हम इस ढंग से करेंगे, ये बहुत कुछ इससे निर्धारित हो जाता है कि वो उससे पहले की रचना कैसी है। अब उदाहरण के लिए मेरे समय के बहुत से लोगों ने ये सोचा कि हम छायावाद का तिरस्कार कर रहे हैं। जिस ढंग से हमने किया वैसा तिरस्कार इसीलिए और तभी संभव था कि उससे पहले छायावाद था और छायावादियों ने उससे पहले के काव्य का तिरस्कार किया था। वो भी उसी में से निकलता था, जो पहले था उसी में से ये निकलता था कि इसका विरोध हम किस रूप में करेंगे, कहाँ करेंगे। और उसका जो विरोध छायावादियों ने किया उसके लिए हमारे लिए ये संभावना बनी कि हम छायावादियों का विरोध करें और विरोध करते हुए उस चीज़ से भी जुड़ जाएं जो कि छायावाद ने हमें दी थी और उससे भी जुड़ जाएं जो कि उससे पहले था। छायावाद से पहले की कविता जिसको वाचिक या कि श्रव्य परंपरा कहें उससे जुड़ी हुई थी, उसमें व्यक्तित्व के प्रकाशन के लिए संप्रेषण के लिए गुंजाइश कम थी और छायावाद का विद्रोह उससे पहले की कथामूलक भाषा और कविता के विरुद्ध व्यक्तित्व का विद्रोह था। हमको ऐसी भाषा मिली जिसमें कि व्यक्तित्व के लिए तो खुली संभावना थी, इसलिए हम जो उन्होंने विद्रोह करके प्राप्त कर लिया था उसको पूंजी के रूप में लेकर हम फिर उनसे लड़ने बैठे दूसरी दिशा में जाने के लिए। हमारा उस दिशा में जाना इसीलिए संभव हुआ कि एक दूसरी लड़ाई हमारे लिए वो लड़ चुके थे। तो इस तरह परंपरा को जानना, उससे जुड़ना, उसको उसके विरोध के लिए आवश्यक ही नहीं है, वो विरोध का निरूपण भी एक तरह से वही करती जाती है।